जोधपुर स्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में आज दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने विभिन्न संकायों के विद्यार्थियों को उपाधियां और स्वर्ण पदक प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल कलराज मिश्र ने विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान किया। योग भारत की वह महान परंपरा है जिसने हमारे देश को कभी विश्व गुरु के रूप में पहचान दिलाई थी। आदर्श जीवन शैली के रूप में आज यह इसीलिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है कि इसके जरिए स्वस्थ तन और स्वस्थ मन की ओर हम अग्रसर होते हैं। महर्षि अरविंद विश्व के महान योगी हुए, उन्होंने समग्र जीवन दृष्टि हेतु योगाभ्यास को बहुत महत्वपूर्ण बताते हैं। और इसलिए विश्वविद्यालय प्रशासन को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस बार ये आयोजन किया है और इस गौरवपूर्ण पल का सहभागी बनने का सब विद्यार्थियों को अवसर दिया है। मैंने मास्टर्स इन पब्लिक एड किया हुआ है और अभी रिसेंटली मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। आगे मैं एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाना चाहती हूँ और मेरे को बैचलर्स ऑफ होम साइंस में गोल्ड मेडल मिला है और मुझे इसको मिला के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे मास्टर ऑफ आर्ट्स हिस्ट्री के लिए गोल्ड मेडल मिला है और मुझे बहुत खुशी हो रही है। आगे भी मैं इसी तरह मेहनत करूँ और मुझे और भी उपाधियाँ और डिग्रीज वगैरह मिले।